हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फिजियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यस। और इससे पहले के वीडियोज जो हमने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, उन वीडियोज में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले कुछ और सिस्टम्स को भी पढ़ चुके हैं। उन सिस्टम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन सिस्टम्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पुरानी वीडियोज में। आज नया सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि हमने बताया है कि इस तंत्र को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यस, चलिए सबसे पहले हम इसमें जो बात स्टार्ट करेंगे वो बात स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन की डेफिनेशन की। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। देखिए, हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब इस उत्सर्जन में हम केवल अपशिष्ट पदार्थों का नाम शामिल नहीं करते। इस अपशिष्ट पदार्थ में हम विशेष रूप से हमारी बॉडी में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल की बात करेंगे, क्योंकि जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में जो हार्मफुल है विशेष रूप से, वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। तो इस परिभाषा को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, शरीर में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, देखिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के अलावा भी और भी कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकाले जाते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होते जितना ज्यादा हार्मफुल नाइट्रोजन युक्त वेस्ट होते हैं। और इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तुरंत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी स्वयं भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कुछ जीवों में नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट है वो अमोनिया के रूप में पाया जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये नाइट्रोजनी वेस्ट एमिनो एसिड्स के रूप में पाया जाता है, कुछ में यूरिया के रूप में होता है, कुछ में यूरिक एसिड के रूप में होता है, और कुछ अन्य रूप भी इसके पाए जाते हैं। इस नाइट्रोजन युक्त वेस्ट के आधार पर कि कौन सा एनिमल किस वेस्ट का निष्कासन करता है, किसको अपने शरीर से बाहर निकालता है, त्यागता है, इस आधार पर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है नाइट्रोजन युक्त वेस्ट के आधार पर, वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन, यस। तो देखिए, मुख्य रूप से जो एनिमल्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन युक्त वेस्ट के आधार पर फोर टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन से फोर टाइप्स होते हैं, पेप्सी। जो पहला प्रकार होता है फर्स्ट, वो होते हैं अमोनोटेलिक। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है एमिनोटेलिक। थर्ड इज यूरियोटेलिक एंड लास्ट एंड फोर्थ इज यूरिकोटेलिक। तो हमने इन चार प्रकारों में एनिमल्स को बांटा है। जैसे कि मैंने कहा है कि इसके अलावा और भी नाइट्रोजन युक्त वेस्ट हो सकते हैं उनके, लेकिन वो एक बड़े लेवल पर, मास लेवल पर नहीं पाए जाते, तो उनके बारे में अभी हम इन टाइप्स में चर्चा नहीं करेंगे, उन्हें अलग से उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, तो चार प्रकार हो गए। चार प्रकारों में से ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट के रूप में
किसका निष्कासन करते हैं? अमोनिया का। अमोनिया का निष्कासन करने वाले तो कहलाते हैं अमोनोटेलिक। एमिनो एसिड का निष्कासन करने वाले, एमिनो एसिड का निष्कासन करने वाले कहलाते हैं एमिनोटेलिक। यूरिया का निष्कासन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। और यूरिक एसिड का निष्कासन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। ओके, ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की, कि इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे। देखिए, सबसे पहले अमोनोटेलिक की बात कर लेते हैं। देखिए, इन चारों ये जो आपको नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा विषैला, सबसे ज्यादा हार्मफुल अमोनिया है। अमोनिया एक बहुत ही जहरीली, बहुत ही विषैली गैस होती है और इसे जल की बहुत ज्यादा मात्रा के साथ ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, त्यागा जा सकता है। अतः अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे प्राणी जिनके पास जल पर्याप्त मात्रा से भी अधिक होता है वो प्राय इस युक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें अतः हम इसमें जल में पाए जाने वाले जो हमारे शुरुआती फाइलम होते हैं एनिमल्स के, जैसे कि प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, उनको हम इसके एग्जांपल्स में शामिल करते हैं। हमारे एनिमल्स के जो फाइलम हैं, चाहे वो लोअर एनिमल्स के फाइलम हो या हायर के हो, लोअर इनवर्टिब्रेट हो, हायर इनवर्टिब्रेट हो, लोअर कॉर्डेट हो, हायर कॉर्डेट हो, इन सभी के बारे में हम मैंने जो कॉर्डेट क्लासिफिकेशन का जो वीडियो डाला है उस वीडियो को देखकर आप एनिमल्स के फाइलम्स के बारे में और जो जानकारी है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी भी आप हेल्प लें। चलिए, तो हम बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले हमारे जो फाइलम, उनमें प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ वाले हो गए, ओके, और इसके अलावा और कौन हो गए? पोरीफेरा वाले। इनके जो एनिमल्स हैं वो अमोनिया का त्याग करते हैं और जैसे कि मैंने बता दिया कि इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जल होता है, अतः इनको एग्जांपल्स में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक के एग्जांपल में हम शामिल करते हैं कुछ मोलस्क को, ठीक है। कुछ मोलस्क आते हैं इसमें, इसके अलावा कुछ क्रस्टेशियंस भी आते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा जो है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के, उसके कुछ क्रस्टेशियंस को भी हम एमिनोटेलिक के एग्जांपल्स में शामिल करते हैं। एमिनोटेलिक में एमिनो एसिड का उत्सर्जन करने वाले प्राणी रखे जाते हैं। यूरियोटेलिक की बात करें तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। यूरियोटेलिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम स्वयं मानव जो है, यानी कि अर्थात वर्ग मैमिलिया के जो अधिकांश प्राणी हैं, वो यूरिया का उत्सर्जन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अपनी बॉडी से करते हैं। तो मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है, अतः हमसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि मानव किस प्रकार का प्राणी है, उत्सर्जन के आधार पर हम कहेंगे यूरियोटेलिक। मानव किस नाइट्रोजन वेस्ट का निष्कासन करता है? यूरिया का निष्कासन करता है। इसके अलावा एम्फीबियंस जो होते हैं, जैसे कि मेंढक, उनको भी हम यूरियोटेलिक ही बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल में बात करें तो यूरियोटेलिक में हो गए एम्फीबियंस, मैमिलिया। ओके, मैमिलिया में जैसे कौन आ गया? ह्यूमन आ गया, मानव। यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है, वो ये है कि जो नाइट्रोजनी वेस्ट हम बता रहे हैं, जैसे अमोनिया है या यूरिया या यूरिक एसिड है, ये एक दूसरे के रूपांतरण से ही बनते हैं। अमोनिया से यूरिया बन जाता है, यूरिया जो यूरिया है ये अमोनिया से ही बनता है। हमारी बॉडी में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी में, हम इसी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो हमारा लीवर है, उस लीवर में एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसे कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। उस ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा ये जो अमोनिया है इसको यूरिया में चेंज किया जाता है। तो कुल मिलाकर अमोनिया से ही यूरिया का निर्माण होता है। लेकिन यूरिया क्या है? अमोनिया की तुलना में कम विषैला है, कम जहरीला है। अतः हमारे जैसे प्राणी जिनकी बॉडी में इतना ज्यादा जल नहीं होता जितना कि अमोनोटेलिक प्राणियों के पास, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा के पास होता है, तो हमारी बॉडी के पास इतना वाटर नहीं होता है। अतः हम अमोनिया की बजाय उसको रूपांतरित करके ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा
लिवर में अपने ये जो अमोनिया है इसको गैस, अमोनिया गैस को यूरिया में रूपांतरित करके फिर यूरिया का हम जो है निष्कासन करते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है यूरिकोटेलिक की। तो यूरिकोटेलिक भी इसी प्रकार का नाइट्रोजन वेस्ट है, ये भी रूपांतरण से बनता है। यूरिकोटेलिक जो है वो अमोनिया और यूरिया की तुलना में कम विषैला होता है, इन सबसे कम विषैला होता है, अतः इसके निष्कासन के लिए इनसे भी कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। ओके, तो सबसे कम मात्रा में जल ये जो हम यहाँ पर टाइप्स ले रहे हैं इनमें यूरिकोटेलिक के लिए आवश्यक होता है। यूरिकोटेलिक प्राणियों के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिकोटेलिक प्राणियों के एग्जाम्पल्स में बात आती है, इसमें रेप्टाइल्स को भी लिया जाता है, इसके अलावा इसमें बर्ड्स को भी लिया जाता है। ओके, रेप्टाइल्स भी ले जाते हैं, बर्ड्स या हम कहें एवीज, हम प्रॉपर क्लास का नाम ले लेते हैं, एवीज को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय जो स्तनधारी होते हैं, डेजर्ट जो मैमल हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले स्तनधारी, वो भी यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि जो स्तनधारी होते हैं मैमिलिया क्लास के जो सदस्य होते हैं वो यूरिया का प्रमुख रूप से उत्सर्जन करते हैं, लेकिन मैमिलिया क्लास के ऐसे एनिमल्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उन एनिमल्स में जैसे कि वो कैमिल हो सकता है या मरुस्थलीय चूहा हो सकता है मरुस्थल में रहने वाला या और अन्य एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो डेजर्ट में पाए जाने वाले अधिकांश जो मैमिलियंस होते हैं वो भी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है हमारे माइंड में कि ऐसा क्यों है कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि मैमिलिया क्लास के जो एनिमल्स हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं और फिर हम ऐसा भी कह रहे हैं कि डेजर्ट में पाए जाने वाले यूरिकोटेलिक होते हैं, तो उसका रीजन क्लियर है, मैंने आपको बता ही दिया है कि यूरिक एसिड सबसे कम विषैला होता है, अतः इसे के उत्सर्जन के लिए भी बहुत कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। चूंकि डेजर्ट एनिमल्स के पास जल की कमी भी होती है और उन्हें जल को संरक्षित भी रखना होता है अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से, तो इस वजह से वो ऐसी युक्ति का उपयोग करते हैं जिससे कि बॉडी से कम वाटर लॉस हो। यूरिया जो है उसके लिए वाटर लॉस तो होता ही है, यूरिया को हम यूरिन के साथ, मूत्र के साथ उत्सर्जित करते हैं और यूरिन के साथ जब यूरिया उत्सर्जित होता है तो जल की मात्रा का बाहर जो है वो त्याग किया ही जाता है, तो जल को बचाने के लिए अपने शरीर में जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। बर्ड्स जो होते हैं एवीज क्लास के वो भी यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि यूरिक एसिड के साथ बहुत कम जल की रिक्वायरमेंट होती है, तो चूंकि बर्ड्स को उड़ने के लिए अपने शरीर को हल्का रखना होता है अतः ज़्यादा पानी का स्टोर नहीं करते वो अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा पानी का स्टोर करेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो हैवी हो जाएगी और उससे उन्हें उड़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो बॉडी को हल्का बनाने के लिए ये भी एक इनका हम कहें कि एडेप्टिव वर्क है, एक अनुकूलन है बर्ड्स का, फ्लाइंग एडेप्टेशन ही है कि बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, इससे उन्हें जल की अधिक मात्रा का स्टोर नहीं करना पड़ता। तो शुष्क या अर्ध ठोस इस तरीके से इसका उत्सर्जन बॉडी से हो जाता है। रेप्टाइल्स भी यूरिकोटेलिक ही होते हैं। तो ये हमारी बात हुई क्लासिफिकेशन, हम किस तरीके से एक्सक्रीटरी मटेरियल के आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो ये आती है कि हमारी बॉडी में या अदर जो फाइलम के एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इन नाइट्रोजनी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो हाँ, टाइप